हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करिकुलम एंड फोकस पर। मैं आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसी मिन्स्क वर्सेस बाटे बोरिसोव यानी कि एमएसके वर्सेस बीटीई का, जो आपको बेलारूस प्रीमियर लीग का फुटबॉल मैच खेला जाता दिखेगा। शुरुआत में मैं आपको बोल दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपने लाइक ज़रूर देना है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो सिंपली सर्च कर लीजिए क्रिक11 फोरकास्ट। बिना स्पेस के जब आप ये चीज़ सर्च करते हो आपको चैनल मिल जाएगा। 50,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जल्दी से जुड़ जाएँ। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए इस मैच की बात करते हैं। पहले हम जिस टीम पर चलेंगे वो है एफसी मिन्स्क की टीम। दोस्तों 2020 में ये अभी तक रैंक 5 पे है टेबल में। इसने 3 मैच खेले हैं, 2 जीती और 1 हारी है। लेकिन 2019 यानी पिछले साल जो 30 मैच खेले थे उसमें, उसके बाद ये 16 में से 9 रैंक पर रही थी। तो इस साल इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, स्टार्टिंग अच्छी हुई है। 6 गोल इसने अपने 3 मैच पर मारे हैं, 6 जितने भी गोल हैं हम सब देखेंगे किसने किए हैं। और गोल्स कंसीड कितने किए हैं, यानी 5 किए हैं, यानी इनको गोल जो पड़े हैं दूसरी टीम से वो 5 पड़े हैं। ये इनका जो है प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 है। बाकी फुटबॉल में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ चेंजेस हो भी सकते हैं, हालांकि रेगुलरली अगर देखोगे तो ये प्लेयर्स को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। एंटोन शर्मेंको एक प्लेयर आपको जो दिख रहा है मिडफील्ड में, ये ऑलमोस्ट एज फॉरवर्ड खेलता है, 3 का फॉरवर्ड सेट खेल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको मेन फॉरवर्ड दिख रहे हैं, बीच में ग्रिबोस्की, लेकिन व्लादिमिर और एंटोन भी आगे खेल रहे हैं। और व्लादिमिर तो इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित भी हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात करी 2020 में व्लादिमिर इनके मेन प्लेयर रहे हैं 2 गोल के साथ। अलेक्जेंडर वासीविलेव एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मिडफील्ड सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। 1 गोल 1 असिस्ट किया इन्होंने। शेवोगेट्स यवगनी इनके डिफेंडर ने 1 गोल किया है। दिमित्री रेजुक ने 1 गोल किया, हालांकि ये लास्ट मैच खेले नहीं थे। और इनका ड्रीम 11 में 75% सिलेक्शन है, तो ये आप देख कर चलेंगे अभी के लिए ना लेकर, अगर खेलते हैं तो ज़रूर ले सकते हो। रोमन ग्रिबोस्की का 1 गोल रहा, एंटोन शर्मेंको का 1 असिस्ट रहा है। सीज़न 2019 में देखोगे पिछले साल, तब भी वासीविलेव ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया था, 10 गोल 2 असिस्ट के साथ। रोमन ग्रिबोस्की ने भी तब इंपॉर्टेंट काम किया था, 6 गोल 0 असिस्ट। इनके डिफेंडर तब काफ़ी काम आए थे, जलेस्की ने 5 गोल किए थे। वासीविलेव एक और थे, दूसरे 2 वासीविलेव इनकी टीम में, दूसरे वाले वासीविलेव ने भी 4 गोल 1 असिस्ट किया था। एंटोन शर्मेंको ने 2 गोल 7 असिस्ट किए थे, जो आपको ये नाम दिख रहा है। तो ये एक ऐसे प्लेयर साबित हो सकते हैं जिसे आप ग्रैंड लीग में ट्राई करें, क्योंकि इनका सिलेक्शन बहुत कम है। शेवोगेट्स यवगनी ने 2 गोल, नसीबुली ने यही है, ये शेवगनी शेवोगेट्स हैं जो यही हैं, नसीबुली ने 1 गोल 2 असिस्ट, क्लिमोविच ने 1 गोल 2 असिस्ट, ओलेग एवदिकमोव ने 1 गोल 2 असिस्ट किए थे। पिछला मैच जो इन्होंने खेला था ये हार गई थी, लेकिन हारने के बावजूद हम देखेंगे कौन इनके लिए मेन प्लेयर रहे थे। व्लादिमिर ने टोटल 3 शॉट लगाए थे टारगेट पर, जिनमें से 1 गया था गोल की तरफ, गोल हुआ नहीं था लेकिन कीपर ने स्टॉप कर लिया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 शॉट्स ऑन टारगेट का 1 पॉइंट होता है अगर वो टारगेट पे हो। इनका 1 ही माना गया था, हालांकि टोटल शॉट 3 थे और इन दोनों का 1-1 शॉट था, लेकिन गोल की तरफ नहीं गया तो कोई पॉइंट आपको नहीं मिला। तो ये आपको देख कर चलना है। बाकी यहाँ ये सजाजोविच हैं, तो थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ध्यान रखिएगा, मैं सही ही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई थिंक फास्ट टाइपिंग करने के चक्कर में मैंने गलत कर दिए होंगे स्पेलिंग। तो ये हो गया इनका। और जो इनके टॉप 4 पासर थे उसमें भी सजांचिक हैं यही प्लेयर, जलेक्सी हैं, यारुट्सकी हैं और शेवोगेट्स हैं, ये टॉप 4 इनके पासर्स हैं। यारुट्सकी एक्चुअली एक आप कह सकते हो डिफेंडर विंग बैक खेल रहे हैं, लेकिन इनको गिवन मिडफील्ड सेक्शन में है, तो ये थोड़ा देख कर चलना। बाटे बोरिसोव की बात करते हैं, तो ये इनका बेलारूस प्रीमियर लीग का 15 टाइम चैंपियन है, यानी येवली लीग में 15 बार चैंपियन बना, रैंक 1 रही है। वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स आप देखोगे, जो इस सीज़न की शुरुआत खराब हुई है, लेकिन पिछले साल रैंक 2 पे रहा था 2019 में। इस साल पहले 2 मैच हारा है, पिछले मैच में कमबैक किया है और हराया है, और लास्ट मैच इन्होंने विन किया है 1-0 से ही सही, लेकिन विन किया ड्रैगून के गोल्स। और ड्रैगून ही इनके मेन प्लेयर हैं और लगभग आपको कप्तानी के सबसे अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे आज, क्योंकि मेन गोल स्कोरर भी हैं टीम के। प्रोबेबल 11 तो आपके सामने है, लेकिन जो देखने वाली बात है, हम इनके इस साल के 5 गोल स्कोरर जो हैं, इन्होंने 5 गोल मारे हैं, मैंने आपको बताया, पांचों देख लेंगे। स्काइवाश 1 गोल, निखाइचिक 1 गोल, ड्रगून 1 गोल, विलियमसन 1 गोल, एगोर फिलिपेंको 1 गोल। 2019 में भी देखोगे ड्रगून ने 14 गोल 6 असिस्ट किए थे, पवेल निखाइचिक, ये जो आपको 2 नाम दिख रहे हैं ड्रगून और निखाइचिक, फिर स्काइवाश 1 गोल, ये आपको जो नाम दिख रहा है, तो यही प्लेयर थे जो लास्ट ईयर भी परफॉर्म किए थे, यही प्लेयर इस साल कर रहे हैं। विलियमसन इनके न्यू प्लेयर हैं, फिलिपेंको हैं 1 गोल। बाकी लास्ट मैच के अगर इनके पासिंग स्टैट्स देखोगे, अगर आप फिलिपोविच बागा, भाई ध्यान रखना ये तारक मेहता वाले बागा नहीं है, ये दिमित्री बागा हैं बेलारूस प्रीमियर लीग के, बोरिस की पोटविच और एस ड्रगून, ये 4 इनके टॉप 4 पासर थे। टारगेट जो शॉट्स गोल थे
टू आउट ऑफ थ्री ड्रगून, एलेक्जेंडर फिलोपिच वन आउट ऑफ वन, दिमित्री बगा वन आउट ऑफ वन, और भी शॉट्स थे, हालांकि टारगेट पे कोई नहीं था तो मैंने वो इंक्लूड नहीं किए, ये ही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इन्हीं में से आपको मैक्सिमम प्लेयर की कोशिश करनी है, ये जो प्लेयर्स हैं और ये जो प्लेयर्स हैं इन पर आपको फोकस रखना है। इसमें बहुत प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कम है तो वॉच आउट फॉर देम, जैसे दुबाविच वगैरह तो अभी तक खेले भी नहीं है, अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाएगी। दोस्तों टीम सिलेक्शन करते करते आपको दो यहाँ पे गोलकीपर दिखेंगे, चिकन और लियोनोव, दोनों में से आप किसको भी ले सकते हो, हो सकता है लियोनोव को ज़्यादा सेफ के चांसेस मिले, लेकिन चिकन एक बेटर गोलकीपर है। चिकन बोल रहा हूँ मैं यार, इनका नाम चिकन है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ऐसा प्लेयर है जो सेव्स करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखता है अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तगड़ा गोलकीपर आप कह सकते हो, पूरे बेलारूस प्रीमियर लीग का ये बेस्ट गोलकीपर है सेव्स के मामले में। तो अगर मौका मिलता है आपको, और सामने वाली टीम अगर अटैक करेगी तभी सेव्स का चांस मिलेगा, अगर अटैक ही ना करे तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन मिलता है तो ही इज़ द गुड गोलकीपर ऑफ द बेलारूस प्रीमियर लीग। तो ये हमारे गोलकीपर हो गए। अब डिफेंस पर अगर हम चलते हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, आपने जुड़ने के लिए सर्च कर लेना है क्रिक 11 फोरकास्ट, आपको बस इतना सा सर्च कर लेना है। जब आप जाओगे उस पर सर्च कर लीजिएगा क्रिक 11 फोरकास्ट, बिना स्पेस के सर्च करोगे ये पूरा क्रिक 11 फोरकास्ट, तब आपको चैनल मिल जाएगा जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको जब डिफेंडर्स में आओगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है कि आप चार लो या पांच लो। पहले तो लोगों ने देखो, काफ़ी लोगों ने सिलेक्शन के हिसाब से रायजुक को ले रखा है, ये लास्ट मैच खेले नहीं थे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर खेलते हैं तो ज़रूर लो, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच जो ये खेले थे उसमें गोल मारा था। अब यहाँ पे वोल्कोव भी एक ही मैच खेले हैं, लेकिन जिसमें ये खेले हैं उसमें इन्होंने हाईएस्ट पासेस दिए, आई थिंक लास्ट मैच ये नहीं खेले, तो अगर ये खेलते हैं तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो प्लेयर हमारे पास प्लेइंग 11 यानी स्टार्टिंग 11 मुझे कहनी चाहिए फुटबॉल में जब आती है, उसके बाद पता लग जाएगा, जो मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। शेवोविट्स की बात करें तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको आपको लेना ही है। फिलिपेंको इनका की पासर है, बाटे बोरिसोफ का उसको लेना है, बाकी कॉपिटोविच को लेके चलेंगे तो सेफ रहेगा। अभी हम चलते हैं मिडफील्ड पे, ड्रगून इज़ वेरी की प्लेयर, इसको नहीं छोड़ना है, आपने देखा इसने क्या किया है लास्ट सीजन, निखार चिक भी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, और यहाँ से मिंस के लिए अलेक्जेंडर वासीविलेव या अलेक्जेंडर बोल लो, अलेक्जेंडर वासीविलेव, ये दो प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की प्लेयर। अगर आप फॉरवर्ड्स में जाओगे, खचवान चिस्की और ग्रोब विस्की, ये दो प्लेयर लेने ही हैं। स्काईवाश और शाशेविश में से एक स्टार्ट करेगा, जो करता है स्टार्ट आप उसको ले सकते हो, स्काईवाश ने एक गोल ऑलरेडी मार रखा है, आपको यहाँ पे बता दूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर ही माने जाने चाहिए। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आप चाहो तो एक ये ऐसा मैच बना सकते हो जिसमें तीन डिफेंडर लेके जाओ, वाई थ्री डिफेंडर्स, मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों टीम स्कोरिंग है और दोनों टीम गोल भी खा लेती हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तक के हिसाब से ये ऐसा मैच है जो तीन डिफेंडर आप ज़रूर ट्राई करें, ग्रैंड लीग में ही सही, मैक्सिमम स्मॉल लीग में चार से पांच डिफेंडर ला रहे हैं लोग, लेकिन आप इसमें ग्रैंड लीग में तीन डिफेंडर ज़रूर ट्राई कर सकते हो, तो ये ध्यान रखकर चलना, हो सकता है दोनों टीम्स क्लीन शीट ना रखें। फिर भी स्मॉल लीग में सेफ साइड जाना चाहोगे आप, एक आधा आप डिफेंडर ज़रूर और लेके जा सकते हो, ज़ेलिस्की ने पाँच गोल मारे थे लास्ट सीज़न, प्लस डिफेंडिंग कर लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेंगे, हालांकि ये उतना पासिस नहीं करते हैं। आप चाहो फ्लिपोविच को ले लो, मैं क्यों फ्लिपोविच को ले रहा हूँ, मुझे लगता है बाटे बोरिसोफ का थोड़ा बेहतर चांस है क्लीन शीट का, इस वजह से, हालांकि कहना मुश्किल है बिकॉज बाटे इज़ ऑलरेडी लॉस्ट 3 में से 2 मैचेस, और टीम बढ़िया है, चैंपियन है, ओनली टीम जो आपको रेगुलरली यूएफए के क्वालिफायर्स में दिखती है, तो ये आपको पता लगता है कि अच्छी टीम है, यहाँ से मेन टीम है बेलारूस से। अब लास्ट चॉइस आज के लास्ट चॉइस आपके पास आ जाएगी, विलियमसन इज़ अ गुड प्लेयर, गोल स्कोरिंग थ्रेट भी रखता है, नसीबुलिन पासिस बहुत करता है, गोल स्कोरिंग कर सकता है, बागा काफ़ी पासिस करता है, गोल स्कोर कर सकता है, योरिट्सकी आपको काफ़ी हद तक एक ऐसा प्लेयर दिखेगा जो पासिस करे, शर्मेंको बहुत अच्छा ग्रैंड लीग पिक, ओनली 3% सिलेक्शन, ग्रैंड लीग में इसको ट्राई करना है दोस्त, क्योंकि ये फॉरवर्ड की तरह खेल रहे हैं, गोल मारे तो एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल चॉइस। अगर आप फॉरवर्ड में जाओगे, स्काईवाश या स्टेशोविश में से जो खेलेगा मैं उसे लेने वाला हूं, अभी के लिए सेफली मैं विलियमसन को ले रहा हूं, अगर मुझे लगेगा कि स्टाईवाश और स्काईवाश में से किसी को लेना है तो जो इनमें से खेलेगा आफ्टर मैच में ज़रूर ट्राई करने वाला हूं। कैप्टनसी मेरी जाएगी ड्रगून को, ऑब्वियसली मेन की प्लेयर, और वाइस कैप्टनसी में मैं यहां थोड़ा कंफ्यूज जरूर हूं, लेकिन नेखा चिक को मैंने सोचा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये रहेगी मेरी टीम दोस्त, आप चाहो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बाकी मैं आपको यहां कहां प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे ना आप वाइस कैप्टन क्या करिए, इन ख्वान चिस्की को कर लीजिए, ख्वान चिस्की क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसने रेगुलरली गोल स्कोरिंग करी है, अगर आप चाहो ख्वान चिस्की को ज़रूर कर सकते हो, और ये बेहतर चॉइस भी रहेगा, फाइनल डिसीजन टेलीग्राम में आपको बता दिया जाएगा।